गर्मी के दिनों में जब सूरज तेज होता है तो जमीन गर्म हो जाती है। सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ी ढहती हैं तो वे अपनी ऊर्जा जमीन को देती हैं, जिससे जमीन का तापमान बियाच जाता है। पत्थर भी गर्म हो जाते हैं। पत्थरों की सतह सूरज की गर्मी को सोख लेती है और वे तपने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेड़ों के पत्ते उतने गर्म नहीं होते? पत्तियां सूरज की रोशनी में भी ठंडी रहती हैं। ये सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पत्तियां सूरज की गर्मी में भी ठंडी रहती है? चलो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पत्तियों की इस विशेषता के पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा है। पत्तियां पेड़ों के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये न केवल पेड़ों को हरा भरा बनाती है बल्कि उनके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सूरज की रोशनी से खाना बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पत्तियां सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलती है। लेकिन साथ ही ये ज्यादा गर्म भी नहीं होती। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, जो उन्हें ठंडा रखते हैं। इसका राज छुपा है इनकी बनावट और एक खास चीज में, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है और सूरज की रोशनी को सोखने में मदद करता है। इसके अलावा पत्तियों की बनावट और उनकी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र उन्हें ठंडा रखते हैं। पत्तियों में पानी की मात्रा भी उन्हें ठंडा रखने में मदद करती है। जब सूरज की किरणें पत्तियों पर पड़ी ढहती हैं, तो पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे पत्तियां ठंडी रहती हैं। इस प्रकार पत्तियां सूरज की गर्मी में भी ठंडी रहती हैं और पेड़ों को जीवन देती हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है। यह हरा रंग न केवल देखने में सुंदर होता है बल्कि पौधों के जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये सूरज की रोशनी को सोखता है ताकि पत्तियां खाना बना सके। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन खास बात यह है कि क्लोरोफिल सारी गर्मी नहीं सोखता। यह केवल उस ऊर्जा को ग्रहण करता है जो पौधे के लिए आवश्यक होती है। वो सिर्फ उतनी गर्मी सोखता है जितनी जरूरी होती है। बाकी की गर्मी को पत्तियां अलग अलग तरीकों से कम कर देती है, जैसे कि वाष्पीकरण और पत्तियों की संरचना। बाकी की गर्मी को पत्तियां अलग अलग तरीकों से कम कर देती है। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे रोमछिद्र भी इसमें मदद करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा गर्म नहीं होती। पत्तियां अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करती है। क्लोरोफिल एक तरह से पत्तियों के लिए छतरी का काम करता है, जो उन्हें तेज धूप से बचाता है। यह पौधों को स्वस्थ और जीवंत बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे अपनी वृद्धि और विकास को जारी रख सकें। क्लोरोफिल की यह अद्भुत क्षमता न केवल पौधों के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर तत्व का अपना विशेष महत्व होता है। पत्तियां अपनी बनावट की वजह से भी गर्मी कम करती हैं। पत्तियों की बनावट में कई विशेषताएं होती हैं जो उन्हें गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। इनकी सतह चिकनी और चमकदार होती है, जिससे सूरज की किरणें आसानी से वापस चली जाती हैं। यह प्रक्रिया पत्तियों को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है और उन्हें ठंडा रखती है। इसके अलावा पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर स्थित होते हैं और इनका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। इन छेदों से पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो यह पत्तियों की सतह से गर्मी को दूर ले जाता है, जिससे पत्तियां ठंडी रहती हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और ये पत्तियों को ठंडा रखने में मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्तियां अपने अंदर की नमी को हवा में छोड़ती हैं, जिससे आसपास का वातावरण भी ठंडा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलकर हमें ठंडा रखता है। जब हम पसीना बहाते हैं तो यह हमारे शरीर की गर्मी को कम करता है और हमें ठंडक का एहसास दिलाता है। इसी तरह पत्तियां भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अपने तापमान को नियंत्रित करती हैं और पर्यावरण को ठंडा बनाए रखती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति ने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए खास तरीके बनाए हैं। जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैक्टस के पत्ते कांटों में बदल जाते हैं ताकि पानी की कमी हो और गर्मी कम लगे। इसी तरह कुछ पौधों के पत्ते पर रोएं होते हैं जो उन्हें तेज धूप से बचाते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत संतुलन है जो जीवन को संभव बनाता है। पत्तियों का ठंडा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर पत्तियां ज्यादा गर्म हो जाएं, तो वे खाना नहीं बना पाएंगी और पेड़ सूख जाएंगे। पेड़ हमारे जीवन का आधार है।
ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि प्रकृति कैसे काम करती है और हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप धूप में टहलें, तो पेड़ों के पत्तों को ध्यान से देखें। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रकृति के नियमों का पालन करके हम मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रह सकते हैं।